पूज्य अतिथिगण द्वारा प्रज्वलन कर इस दीपदान कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा चुका है। एक बार जोर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे मुख्य अतिथि गुजरात करके स्वागत कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आत्मिक धरातल की एक सशक्त महिला हैं और वो कुछ न कुछ रचनात्मक कार्यों में सदा सर्वदा प्रवृत्त रहती हैं। आज माँ गंगा के तट पर, जहाँ पर 80 घाट पर स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान का श्री गणेश किया था, आज उसी जगह पर हम सब समवेत हैं। और इतने, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर लाखों दीप या हजारों दीप यहाँ पे आज जलाए जा रहे हैं। तो भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भवा। भक्त्या दीपं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमाम निर्यात घोरा दीपत ज्योतिर नमोस्तुते। तो हम जब भी दीप जलाते हैं तो हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हमारे मार्ग प्रशस्त करें और हम सतपथ पर अनवरत अबाध गति से आगे बढ़ें। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की एक कामना होती है। पूर्वांचल राज्य की मांग है, जिसका केंद्र काशी हो तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात होगी, क्योंकि आध्यात्मिक नगरी काशी सर्व शिक्षा की राजधानी, सर्व विद्या की राजधानी और समस्त संसार का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखती है, समस्त संसार को चमत्कृत करने का सामर्थ्य रखती है। तो अगर पूर्वांचल राज्य बने और उसका केंद्र काशी हो तो ये तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी और इससे बड़ा और क्या हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात होगी। नहीं, देखिए, अगर प्रभु के समक्ष हम कुछ मांगते हैं, माँ गंगा के तट पर माँ गंगा से याचना करते हैं, ईश्वर से कुछ मांगते हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी अनुष्ठान, कोई भी प्रार्थना, शास्त्रीय मान्यता ऐसी है कि व्यर्थ नहीं जाती है। उसका सफल परिणाम कई बार सद्य हो जाता है, कई बार कुछ समय भी लगता है, लेकिन यह कार्य जो है ईश्वर के समक्ष अगर हम कुछ भी याचना प्रार्थना निवेदन करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। ऐसा शास्त्रीय विधान भी है और ऐसी मान्यता भी है और हम लोग इस बात को आस्तिक भाव से मानते भी हैं। तो मैं समझता हूं कि अब तक के इनके आंदोलन या जो भी याचनाएं रही हैं उसमें सबसे प्रमुख आज का ही यह विषय रहा है, क्योंकि माँ गंगा के तट पर, काशी में गंगा के तट पर जो भी चीज़ें की जाती हैं वो प्रतिफलित होती हैं और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से यहाँ पर की गई प्रार्थना का प्रतिफल मिलेगा। नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ भी हमारी आवश्यकता है काशी में रहते हैं, काशी के लोगों के साथ जुड़ करके रहते हैं। कहीं भी कोई भी आवश्यक सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक आयोजन होता है तो उसमें कोशिश करते हैं कि हमारी भी भागीदारी हो और इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए हैं। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा साइड हो करके खड़े हो तो और लोग भी देख पाएंगे, जाएंगे तो बाकी और लोग भी देख पाएंगे इस प्रोग्राम को। चौथ कर लेगा।
का सामर्थ्य रखती है, जो अनंत जगत को नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखती है और अनंतानंत जगत को प्रकाश पुंज प्रसृत करने का सामर्थ्य रखती है। मैं अनुज रहा हिंदुस्तानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन। जी, पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन विगत 8 वर्षों से अपने रेल रोको आंदोलनों और तमाम अनशनों के माध्यम से अपनी बात को भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक लगातार पहुंचाता रहा है। इसी क्रम में एक सांस्कृतिक निवेदन के रूप में आज काशी के 80 घाट से हम लोगों ने 21 जार दीपों को प्रज्वलित करके एक सांस्कृतिक निवेदन करना चाहा है प्रधानमंत्री जी से कि काशी की जनता, पूर्वांचल की जनमानस आपसे प्रथम पूर्वांचल राज्य की कामना करती है। देखिए, काशी संस्कृत नगरी है और संस्कृत राजधानी है और यहाँ से जो भी आवाज़ उठती है पूरा विश्व देखता है और संस्कृत कार्यक्रम आप यहाँ देख पा रहे हैं और दीप दान देख पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से वंदना रघुवंशी के द्वारा कईयों वर्षों से और भी कईयों लोगों ने पूर्वांचल राज्य की मांग की और लगातार चलता आ रहा है, मुझे लगता है अगर सबकी सहमति होती है छोटे छोटे राज्य बना करके विकास करने की तो मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं। अगर विरोध है तो उस ढंग से उसका देखा जा सकता है, परंतु जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर विकास की बात करें, वैसे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से पूरे देश में विकास कर रहे हैं, चाहे वो मठ मंदिरों का मामला हो, चाहे वो चारों धाम की यात्रा का मामला हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज का मामला हो, हर स्तर से, चाहे वो रोड का मामला हो, हर जगह विकास ही विकास आपको दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में विकास तो हो ही रहा अगर पूर्वांचल राज्य बन करके, और क्योंकि काशी वैसे तो सांस्कृत राजधानी है ही है, अगर वो एक राज्य की राजधानी के रूप में दिखाई देती है तो अच्छी बात है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और गंगा मैया के तट पर काशी घाट पर बैठे हैं, हम लोग विकास के पक्षधर हैं, इसलिए विकास चाहते हैं। अगर इस प्रकार से विकास और ज़्यादा हो सकता है तो इसलिए हम लोग इस पर शामिल हुए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, वैसे तो काफ़ी समय से यह चर्चाएं चलती आई हैं, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी की सरलता और उनका जो निष्ठा काशी के लिए, रात्रि में काशी के गलियों में घूमना, काशी को देखना और जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ को महा दरबार के रूप में साबित करके दिखा देना और कम समय पर जो समय की अवधि उसके अंतर्गत और देश के बड़े बड़े संत महामंडलेश्वर, जगतगुरु शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, निंबार्काचार्य, आचार्यों का आना जिस प्रकार से दिखाई दिया, सबने देखा और गंगा स्नान करके पूजन पाठ करना, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो एक अपनी संस्कृति को, अपनी भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को लेकर के चल रहा है। और मुझे लगता है कि जो संस्कृति को लेकर चलता है निश्चित रूप से देश वही तरक्की करता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर उनको लगेगा कि ये इससे उचित हो सकता है और विकास हो सकता है तो मुझे लगता है इस पर चर्चा करेंगे और इस पर ध्यान देंगे। हम लोगों ने इस चीज़ को अब शुरुआत की है, अगर गलत होगा तो उस पर भी चर्चा होगी, अगर इसका सही होगा तो उस पर भी चर्चा होगी।